गुड मॉर्निंग एन, तो हो चुकी है नई सुबह और ब्लॉग की अब यहीं से शुरुआत करते हैं। तो माय नेम इज पुनीत दिस्ट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल सुबह, तो आज है मंगलवार और आज फास्ट होता है मेरा, तो अभी मैं जस्ट नहा धो के पूजा वूजा करके दुकान जा रहा हूँ और हम चलते हैं, कुछ सामान भी ले जाना घर से तो वो ले कर चलेंगे फिर। चलो, तो जो भी आज इस ब्लॉग में नए हैं तो सबको पता है क्या करना होता है, हम यही बोलते हैं ब्लॉगर्स की एक सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो फिलहाल हमें यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं स्कूटी स्टार्ट करने में, कुछ ठंडी हो रही है, हो नहीं रही। कर 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 ब्रेक तो छोड़, चौक बंद कर, कटिंग देख रहे तो आज छोटू मेरी हेल्प करता हुआ है। किरण भारी है नहीं है? तो कम से कम 2 किलो है, कम से कम 2 किलो का थैला है, कोई सब भारी नहीं लग रहा है। सास किरण शाबाश। मैं ले जाऊं? तू बड़ा है? हाँ। बहुत बड़ा है तू, है ना? देख रहे, दिन हो चुकी है, 1 बज चुके हैं, दुकान से आ चुके हम अपना काम करके। तो फिलहाल अभी मैंने सुबह कपड़े भिगा रखे थे तो वो कपड़े धोता हूँ, तब उसके आगे देखते हैं। कपड़े धो चुका हूँ, अभी मैं सुखाता हूँ और पहले सुखाता हूँ फिर। आज जैसे कि आज मंगलवार है तो मंगलवार को मेरा फास्ट होता है और मैं दुकान में था तो मम्मी को कह रहा, मम्मी मार्केट गई थी तो मार्केट लेने गया था मम्मी को। फिर मम्मी को मैंने बोला खाना तो आज बनाया नहीं, तो अब भूख लग रही है। फिर मम्मी कहती कि आज तो तेरा फास्ट है, कभी कभी दिमाग से निकल जा रहा था। तो अभी मैंने केले खाए, तो अब थोड़ा रेस्ट करते फिर शाम को भी दुकान ही जाना होता, क्योंकि 4 बजे दुकान जाऊँगा, फिर उसके बाद देखते हैं। कपड़े भी बहुत मस्त धोता हूँ कपड़े। तो 4 बजने वाले और जस्ट अभी मेरी नींद खुली है, मुँह हाथ धो के दुकान जा रहा हूँ। अभी भी मुझे नींद आ रही है बट क्या करें, जाना तो है, तब जाते हैं दुकान। दुकान तो आ चुका हूँ मैं, और वैसे यहाँ पे ये है कि अब शाम के टाइम में ना ज़्यादा भीड़ होती नहीं है मार्केटों में, क्योंकि लोग सुबह सुबह कर लेते अपना सारा काम। शाम के टाइम मतलब भीड़ बहुत कम रहती है,
बाकी तो सब बढ़िया है। और ये मेरा जन्म महीना है, मतलब इस महीने में पैदा हुआ था। तो जब जो मेरा बर्थडे आता है वो आता है मेरा 19 सितंबर को मेरा बर्थडे है। तो मैं सोच रहा हूँ कहीं जाने का क्या, इधर ही कहीं आसपास तब जाएंगे, एंजॉय करेंगे, मजे करेंगे। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे मैंने बाइक ली थी ना पहले स्टार्टिंग में, डिट्टो अभी भी वैसी की वैसी है, क्योंकि मैंने स्टिकर हटा दिया, तो चमक उसकी अभी भी वही है। दिखाता हूँ ये, तो ये है 250, चमक देखो अभी भी पूरी की पूरी वही है। तो ये मैं दुकान के अंदर ही करता हूँ खड़ी, और स्कूटी को मैं लेके जाता हूँ, है ना मस्त। वैसे ये खुद के उस पर लिया है बाइक, तो बना के मतलब मैं तो सफाई करता हूँ, बट कभी नहीं करता सफाई, क्योंकि कोई बोलता भाई नज़र लग जाती है इन चीज़ों में भी, तो वो बात है, नज़रें लगती है, मैं भी मानता हूँ इन चीज़ों का। तो मैं कभी गंदी मतलब ये जब से मैं लेके आया था तब से मैंने साफ ही नहीं करी थी, बहुत गंदी थी। कल मैंने सोचा था कि स्टिकर हटाऊंगा तो स्टिकर का गम रह जाता, तो मैंने कहा स्टिकर भी हटा दूंगा, सफाई भी कर ही दूंगा, तो इसलिए मैंने सफाई करी है। वरना मैं पहले सफाई करता था, अब नहीं करता ज़्यादा, बस अब ऐसे रहने देता हूँ। बाकी तो सब बढ़िया ही है, हमारा चल रहा है अच्छा खासा। तो फिलहाल अगले महीने सोच रहा था हमने कहीं जाने का, जो मेरा ताऊ जी का लड़का है वो भी आएगा वहाँ दिल्ली से, उसने भी बाइक लिया तो वो भी आएगा, तब हम दोनों ने सोच रखा कि कहीं जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तब वो ट्रैवल ब्लॉग पूरा होगा प्रॉपर। बस गोप्रो में एक दिक्कत होती है, कभी वो हैंग हो जाता है तो कभी रिकॉर्डिंग में दिक्कत करता है, तो वो दिक्कत ना आए तो बढ़िया। तो बस दिक्कत ये है कि गोप्रो होते हैं ना जो, ये साले हैंग हो जाते हैं, और हैंग होते हैं तो दिक्कत आती है, क्योंकि आप मोटो व्लॉग कर रहे हैं तो चलते चलते व्लॉग बनाएंगे तो कभी हैंग हो जाते हैं तो कभी आवाज़ नहीं आ रही है, तो ये दिक्कत आ ही जाती है। इनमें कभी वायर लूज़ होती है तो प्रॉपर चेक करना पड़ता है, बट बीच बीच में रुक के चेक करना पड़ता है, बार बार नहीं कर सकते बट करना पड़ता है, क्योंकि दिक्कत दे रहा है। वैसे मैंने बाइक जो ली थी ये सोच के ली थी, क्योंकि मैं मोटो जो मैं व्लॉग देखता हूँ वो मोटो व्लॉग ही देखता हूँ मैं ज़्यादातर, जो है लेवल में, जैसे बॉर्न टू राइड, जेट प्रज्वल, जे एस फिल्म, UK07 राइडर, मतलब इन सब के व्लॉग देखता हूँ मैं, और भी हैं जो मोटो व्लॉग करते हैं। तो वही सोच के मैंने बाइक भी ली थी कि हाँ अपने पास भी एक बाइक हो, मैं भी शुरू करूँगा। मतलब मेन मोटिव मेरा यही था कि मेरे को मोटो व्लॉग करना है, बट अब ये हो गया कि मैं दुकान में बन चुका हूँ तो नहीं कर पा रहा हूँ वो चीज़ को भी, बट हाँ आने वाले मतलब आगे मैं वो चीज़ कंटिन्यू रखूँगा। बस यही सोच के मैंने ये बाइक ली थी, यही सोच के क्या, एक पहले एक ड्रीम भी था कि वहाँ पर बाइक हुआ अपनी, तो मेरा बहुत मन था कि KTM लेने का। तो अब मैं घर आ चुका हूँ, पानी का डब्बा लेके नीचे स्रोत से, तो दुकान से आ गया, पानी भी ले आया, अब एनर्जी खत्म, क्योंकि बर्थ है मेरा, सब केले खाएंगे, और मैं ऊपर गांव जा रहा हूँ क्योंकि दोस्त सारे वहीं पे हैं। अब डेली ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करते करते ऐसी आदत पड़ गई ना, जहाँ बोलो चढ़ने को बड़े प्यार से। चलो टाइम हो रहा है 6:50, पूजा कर ली है क्योंकि मेरा फास्ट था, तो पूजा भी कर लिया मैंने, चाय भी पी ली है, और अभी आटा गूंदूंगा और फास्ट खोलूंगा अपना, और फिर एडिट करने बैठ जाऊँगा। तो अभी मैंने चार्ज लगा रखा है, चार्ज पर रख रखा है लैपटॉप को। और एक और चीज़, हियर इज माय कैमरा सोनी A6000। हाँ ओ, तो आटा गुन चुका है मम्मी, मेरे को नहीं गुनना आज, जो जा चुका था बट वापस आ गया, क्योंकि मैंने बेचने के लिए दिया था दोस्त को, बट नहीं वापस ले आया, मैं छोड़ नहीं देता, तो वापस ले आया था।
तो बस इसमें ये है कि इसमें माइक लगता नहीं है, बाकी वरना व्लॉगिंग के लिए बेस्ट कैमरा है सोनी के। तो इसके बाद में लूंगा मैं ब्लूटूथ वाला माइक। अरे ये भी आ गया, ए चेन ले दो, ऐसे घूमता चेन ले गया अपनी। आराम है, आराम है मेरा जिम शॉट है। तो बस करते हैं थोड़ा काम। एडिट हो चुकी है वीडियो, बस लास्ट पार्ट डालना है जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। होप ये व्लॉग भी अच्छा लगा हो तो इसे भी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।